हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रही है। इफ़ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल इज 5:4। अब जो नया ट्राइंगल बना, क्योंकि उसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई, तो एक नया ट्राइंगल बन गया ना, तो जो उसका पेरीमीटर है और जो पुराने वाला ट्राइंगल था जब साइड इंक्रीज नहीं हुई थी, वो इन दोनों के पेरीमीटर की रेशियो है 5:4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल पहले था आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, जो निकालना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट ये पेरीमीटर लिखा है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर एक्स है, सारी साइड्स को मैंने ए बी और सी मान लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये सारी साइड्स क्या हो गई, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैंने लेट किया है, लेट साइड्स बी ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये सारी साइड 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई, तो न्यू साइड्स अब निकाल लेते हैं। यहाँ पर न्यू साइड्स आर ए प्लस 10, बी प्लस 10 और c प्लस 10 हो जाएगी। तो फिर न्यू पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड करके ही। तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 30। क्या मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह x लिख सकती हूँ, क्योंकि वो x ही है, पेरीमीटर ही तो था, x प्लस 30 आ गया, तो ये मेरा न्यू पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों की रेशियो दे रखी है 5:4। पहले मुझे नए पेरीमीटर बोला तो मैंने ऊपर नया पेरीमीटर लिखा, नीचे मैंने पुराना पेरीमीटर लिखा, ये हो गया 5/4। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया और 5 को x से किया तो 5x, तो 4x प्लस का 120, यहाँ पर आ जाएगा 5x, तो 120 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, तो 120 इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो यहाँ से मेरा पेरीमीटर निकल गया, क्योंकि मैंने एक्स ही माना था अपना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। और ऐसे क्वेश्चंस, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सभी चैप्टर के धीरे धीरे इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।